The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So again, hello everyone. Namaskar, adab, sat sri akal. We are live aur yahan par hum baat karenge स्नीजिंग की. आज का टॉपिक है स्नीजिंग. छींकना क्यों आता है स्नीजिंग, आपको छींक क्यों आती है, कैसे आती है, चलिए बात करते हैं. देखिए, स्नीजिंग इज बेसिकली कॉज्ड बाय एन इरिटेशन. जी हाँ, ये एक इरिटेशन है. ऑफ व्हाट? इरिटेशन किसका? इरिटेशन हो रहा है आपके नोज का या थ्रोट का, दोनों में से एक, किसी के म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन इज इंटरनल लाइनिंग ऑफ जो भी आपका नोज है, आपका माउथ है, आपके पूरे इंटेस्टाइनल सिस्टम, नीचे एनस, उसके भी अंदर की जो लाइनिंग होती है, उसको अंदर की लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो अंदर के होते हैं, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो लेकिन यहां पर बात हो रही है नाक की, योर नोज एंड योर माउथ. सो अगर नोज एंड माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन है किसी भी कारण से, तो वो आपको स्नीज कर सकती है. और ये कई बार दोनों भी हो सकती है, कि नाक में भी और इसमें भी दिक्कत हो रही है. तो ये क्यों हो सकती है? व्हाट आर द रीजंस? लेट्स सी. कोल्ड है कि एलर्जी है, सही कारण बताएंगे आपको. पहला और सबसे कॉमन रीजन है एलर्जिक, एलर्जी. जैसे ही कोई भी एलर्जी चीज, जैसे कि डस्ट, जैसे कि एनिमल से डेंगर निकलता है, या एसी वेसी में मोल्ड, या कुछ ऐसा मोल्ड हो जाए, या फिर मान लो जी आपको पोलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी भी चीज से एलर्जिक सब्सटेंस अगर आपके अंदर जाता है और वो करता है प्रॉब्लम, दैट कॉजेज स्नीजिंग. आ छू, नंबर वन रीजन. सेकंड रीजन है अगर आप कोई स्टीरॉइड स्प्रे ले रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रकार का स्टीरॉइड स्प्रे, कॉर्टिको स्टीरॉइड का स्प्रे ले रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्नीजिंग, बिकॉज वो स्टीरॉइड कैन इरिटेट योर म्यूकस मेम्ब्रेन. कॉर्टिको स्टीरॉइड स्प्रे जो कई बार लोग लेते हैं. फिर कॉमन कोल्ड इज वेरी 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 कॉमन, जिसको फ्लू कहते हैं. कोल्ड के वजह से कई बार आपका म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट हो जाता है, वहां पर सिक्रीशंस बढ़ जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है. इन्फ्लामेशन इन योर म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब अंदर की जो लाइनिंग है, जो मुंह के अंदर, गले के अंदर, बैक ऑफ द थ्रोट या नाक के अंदर, बैक पोस्टीरियर नेजो फैरिंग्स इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में, नाक और पीछे फैरिंग्स, नेजो फैरिंग. इसलिए गला खराब होता है तो उसको क्या कहते हैं? फेरिंजाइटिस, राइट? फेरिंजाइटिस कहते हैं. नाक में इन्फेक्शन हो तो रायनाइटिस, रायनाइटिस, राइट? सो राइनाइटिस एलर्जिक भी होता है, इन्फेक्टिव भी होता है. राइनाइटिस एलर्जिक, राइनाइटिस इन्फेक्टिव, राइनाइटिस, राइट? राइनाइटिस, डजंट मैटर क्या बोलना है, लेकिन एक्चुअली ये होता है. थर्ड बिग रीजन हमने आपको बताया, पहला एलर्जिक, दूसरा कोल्ड. थर्ड बिग रीजन जो है वो है स्टीरॉयड यूज या मेडिकेशन विड्रॉवल. जब आप प्रॉपर कोई मान लीजिए बहुत दिनों तक मेडिकेशन ले रहे ले रहे ले रहे ले रहे ले रहे, जैसे कि कोल्ड की मेडिसिन, या फिर आपने बहुत दिनों तक स्टीरॉयड ले लिए, जो क्या नाम है उसका, आप ओट्रिविन डाले जा रहे हो नाक में, नाक में विड्रॉवल बंद हुई, आपको छींकना शुरू. मेडिकेशन ड्रग विड्रॉवल एक अच्छा साइड इफेक्ट, एक इंपॉर्टेंट रीजन है. उसके अलावा ट्रिगर्स होते हैं. ट्रिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो आपको समझना है. हर एक में ट्रिगर, किसी के ट्रिगर हो सकता है स्पाइसी फूड. मैंने तेज खाना खा लिया, स्पाइसी फूड ले लिया, आपको हो गया. कई बार स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जी हाँ, इमोशनल हो गए आप, हो गए मान लीजिए थोड़े से ब्लशिंग हो गई आपको, बहुत ज्यादा कुछ रोना आ गया, तो आज छू छींकना आ गया, होता है कई लोगों के साथ होता है. सो इमोशंस, कुछ दवाएं, कुछ खाने पीने की चीजें, स्पाइसी फूड, किसी को हो सकता है एयर पोल्यूशन से, किसी को हो सकता है डस्ट से, किसी को हो सकता है पाउडर से, टेलकम पाउडर से, जी हाँ. सो अ पॉइंट इज कि क्यों हो रहा है, क्या करें, अल्टीमेटली क्या डिफरेंस है, क्या ये पता कर सकते हैं कि कोल्ड से है कि एलर्जी से है? बिल्कुल पता कर सकते हैं. अगर कोल्ड से है, जो टॉपिक है कि कोल्ड और एलर्जिक स्नीजिंग में क्या डिफरेंस होगा, अगर आपका स्नीजिंग है कोल्ड से, सो कोल्ड यानी सर्दी में आपका बॉडी के यानी नाक के और इनके सिक्रीशंस जो है बढ़ जाएंगे, आपको सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, इसलिए नाक बहने लगती है कोल्ड में, करते रहते हैं, है कि नहीं? सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और कई बार वो गाढ़े हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि एक तरफ का नाक का हिस्सा छोटा है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तो एक तरफ से सिक्रीशन आ रहे हैं, एक तरफ बड़ा रूमी एरिया बन गया है, तो वो बहुत जल्दी हवा के वजह से ड्राई हो जाता है. तो एक तरफ ड्राई पपड़ियां बन सकती हैं, अंदर
और पानी भी निकल सकता है। अगर ये सब नहीं है, सिर्फ स्नीजिंग हुआ है, डस्ट है, तो वे एलर्जिक है। एलर्जी और कोल्ड फ्लू ये पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एलर्जी के केस में आपको सिर्फ फ्लू हो सकता है, सांस में दिक्कत हो रहे, छींकना आ सकता है, सांस में चलेगी तो सांस में दिक्कत हो सकता है। कभी कभी एलर्जी डेंजरस भी हो सकती है, जिसमें एलर्जिक रिएक्शन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन तक पहुंच जाए और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, दैट काइंड बी डेंजरस। लेकिन कोल्ड फ्लू डेंजरस नॉर्मली नहीं होता, अनलेस एंड अंटिल वो स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू इन्हें वो खतरनाक होता है, इसलिए आपको वैक्सीनेशन फ्लू शॉट्स लेते रहने चाहिए। अगर आप हर साल फ्लू शॉट्स लेते हैं तो आप अपने इस प्रकार के डेंजरस वायरसेस से इन्फेक्शन के चांसेस कम कर देते हैं। वेलकम वेलकम विशाल जी। ऑल राइट, और फिर हमारा सवाल आता है कि कैसे बचे, क्या करें। अल्टीमेटली इसीलिए हम सब आते हैं कि भाई क्या किया जाए। सर अगर आपको सबसे बड़ी चीज दोनों का अलग ले लेंगे, अगर आपको एलर्जी है किसी चीज से, ऑब्वियसली उस चीज से बचिए। अगर धूल मिट्टी से एलर्जी है, आप धूल मिट्टी में बार बार जा रहे हैं, आपको डस्ट से एलर्जी है, आप रोड पे डस्ट में ट्रैफिक के बीच में घूम रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग उल्टी सीधी डस्ट बार 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 फैला, सो आपको छींका सकती है। सो फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ट वे इज कि आप एलर्जी आइडेंटिफाई करो और एलर्जिक रिएक्शन वाली चीज को दूर हटो। सॉरी, एलर्जी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कोई टेस्ट आता है? जी हाँ, आते हैं। आज के डेट में एलर्जी प्रोफाइल होता है, कई सारे लैब्स कर रहे हैं, जो छोटे छोटे एलर्जिक चीजें, जो मोस्ट कॉमन एलर्जिक चीजें हैं, डस्ट है, पोलन ग्रेन्स है, मोल्ड्स है, एनिमल डैंगर है, और जो खाने पीने की छोटी मोटी चीज, एग है, पीनट्स हैं, इन सबको छोटे छोटे लेवल पे आपके स्किन में इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं किस चीज से आपको एलर्जी रिएक्शन हो रहा है और कितना बड़ा हो रहा है। सो ये आप करा के देख सकते हो कि आपको किस किस से एलर्जी है, ये भी अवेलेबल होता है, दैट इज वन यू कैन डू। देन अगर ये एलर्जिक नहीं है और कुछ है, या अगर आप ये सोचे कि एलर्जी को एक्सपोजर कैसे कम करें, भाई हम तो जा ही रहे, तो आप क्या करें, जो भी आपके घर में मार लीजिए कोई फर्नेस है, कोई उसमें आप फिल्टर लगाएं ताकि वहां से चीजें ना आए। अगर एसी है तो एसी का रेगुलर सर्विसिंग कराएं, कई बार एसी से प्रॉब्लम होता है। अगर कोई जानवर आसपास है तो जानवर को हटा लें, दूर हटा के देखें क्या जानवर एनिमल डेंगर से ही हो रहा है, तो वो जानवर को हटा के देखें, कुछ दिन दूर रह के देखें। या सोचो जब आप छुट्टी पे जाते हो तो क्या कम हो जाता है, जब जानवर के पास होते हो तब जब बढ़ जाता है। सो यू हैव टू थिंक दिस वे। एंड देन आपको क्या करना होगा, जो भी आपके एक्चुअल इसको एक्सपोजर को बाहर के पोलन ग्रेन्स अंदर ना आए, उसके लिए भी फिल्टर्स आते हैं। आप चाहो तो एयर फिल्टर्स लगा सकते हो, एयर फिल्टर यूज कर सकते हो, और डस्ट माइट्स जो होती हैं, डस्ट के लिए जो माइट्स हैं, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि जो लेनिन्स है, जो कपड़े हैं, उसको आप थोड़ा हॉट वाटर में धोएं, गर्म कपड़े में धोएं, कोई बार उसमें लगी रह जाती है और आप जैसे ही कपड़ा पहनते हैं आपको पता नहीं चलेगा उसमें डस्ट माइट है या नहीं। राइट, सो दैट इज वन थिंग। और फिर इन सम केस कई बार आपको घर या एरिया ही बदलना पड़ जाता है। अगर ऐसा है कि भाई मैं छुट्टी पे जाता हूं, जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे नहीं होती, घर आता हूं तो होता है। सो इन दैट केस कई बार जब नहीं आइडेंटिफाई होता है कि किस चीज से एलर्जी है, तो यू माइट हैव टू ट्राई इफ यू कैन चेंज द हाउस, अगर आप कर सके मान लीजिए। और अगर एलर्जी से है तो जैसे ही एलर्जिक सब्सटेंस हट जाएगा, आपकी स्नीजिंग खत्म हो जाएगी, एलर्जी खत्म हो जाएगी, एलर्जी है तो एलर्जी से खत्म। राइट, जहां तक बात है कोल्ड की, तो कोल्ड के लिए फिर आपको बहुत सारा फ्लूइड लेना है, बहुत सारा पानी लेना है। द मेन ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड इज फ्लूइड। जी हाँ, रेस्ट फ्लूइड, दैट्स द मेन ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड। क्यों? क्योंकि जब कोल्ड होती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शनरी वायरस, बेसिकली कोल्ड इज अ वायरस, राइट, फ्लू इज अ वायरस। 200 से ज्यादा प्रकार के वायरस है, हर प्रकार के वायरस के लिए फ्लू शॉट नहीं अवेलेबल है, हर प्रकार के वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 200 से ज्यादा वायरस है, हर साल वो म्यूटेट होते हैं, हर साल उनमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, तो हर साल उनके अंदर अलग अलग 200 से ज्यादा वायरसेस पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो डेंजरस है, जैसे कि H1N1 है, H1N3 है, इसमें इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इसमें जो मेन स्ट्रेन हो उनको पकड़ के, तीन स्ट्रेन पकड़ के उनका जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपको वैक्सीन दी जाती है। तो इसलिए वैक्सीन हर साल जब वो आती है, नई वैक्सीन आती है हर साल, वो जरूर लीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, 6 महीने से ऊपर हर एक इंसान ने लेना चाहिए, मैंने भी लिया, आपको भी लेना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए 6 महीने के बच्चे से ऊपर। 6 महीने से नीचे है तो बच्चे को नहीं लगता है, फिर उनके घर वालों को लगता है, ताकि बच्चों के घर वालों का ना हो जाए,
क्योंकि डर होता है अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो स्वाइन फ्लू फैल जाएगा, उनको भी हो जाएगा, है कि नहीं? क्या बात, मजा नहीं आ रहा? कोई हार्ट नहीं दबा रहा है? लाइक वाइक दबा दिया करो. ओके, सो दिस इज वॉट आई फील. और फिर बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं बार बार अगर कोल्ड हो रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बार बार एलर्जी हो जाती है, मेरी इम्यूनिटी कम है, मेरे में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं. सो हर एक की जेनेटिक्स, जेनेटिकली एलर्जी इज डिटरमाइंड होती है. आप एलर्जी आइडेंटिफाई करो, खत्म करो, लेकिन एंटी एलर्जिक चीजें आप जरूर ले सकते हो. एंटी एलर्जिक में नंबर वन थिंग है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें. नंबर वन एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया के अंदर, दीज आर ओमेगा 3. इवन बाहर भी ओमेगा 3s आपको ज्यादा लेनी है. और सेकेंड आपको ज्यादा लेनी है ओमेगा 3 के साथ वाइटामिन सी. जी हाँ, वाइटामिन सी. आप बोलेंगे भाई मेरे को तो सर्दी है, सर्दी में नींबू. नींबू नहीं, आप विटामिन सी टैबलेट ले सकते हो. जी हाँ, नींबू भी ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि सर्दी से नींबू खट्टा मना करा जाता है, कंजेशन करता है, लेकिन वो आप टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हो. राइट, सेकेंड मतलब वो प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, प्रिवेंशन के लिए. और प्लस अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस के खिलाफ विटामिन सी अच्छा काम करता है, ये भी बात याद रखिए. सेकेंड इज आपका ओमेगा 3. थर्ड इज योर वाइटामिन बी 12 या वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप बहुत जरूरी होता है. ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर जो दो वेजिटेरियन है उनमें डेफिशिएंसीज होती हैं, जो दूध नहीं पीते हैं उनमें भी ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, या जो रेगुलर नॉनवेज नहीं खाते उनमें प्रॉब्लम होता है. इसीलिए आपको इन सब चीजों को लेना होगा. और एक चीज होती है आपके बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन नाम की चीज सुनी होगी आपने कई बार. तो ग्लूटाथियोन एक इंटरनल आपका एंटीऑक्सीडेंट है जिसका एक पूल होता है, जिसका एक कलेक्शन होता है, जिसका एक पर्टिकुलर स्टोरेज होता है, उतना आपके शरीर में होता है. जब भी आप बीमार होते हो, जब भी आपको मान लीजिए किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, किसी प्रकार का कोई मान लीजिए स्ट्रेस आता है, बहुत मेजर स्ट्रेस है आपको, टेंशन है, तो ग्लूटाथियोन लेवल्स आपकी बॉडी से कम हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं. इन दैट केस आपकी जो इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी शक्ति होती है कि हाँ अगर बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा, कोई इरिटेट करेगा, तो वो इरिटेशन के साथ डील करने की क्षमता कम हो जाती है. अच्छी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट से धीरे 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 ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा खाके इसको जल्दी ठीक किया जा सकता है. जैसे कि हल्दी, हल्दी में कुरकुमिन होता है, एन एसिटल सिस्टीन नाम का अमाइनो एसिड जिसका अलग से सप्लीमेंट भी आता है म्यूसिनैक नाम से, इसलिए म्यूसिनैक बहुत ज्यादा दिया जाता है. दीज आर ऑल सप्लीमेंट्स बेसिकली, राइट. फिर आप ले सकते हो ओमेगा 3s जो इसमें काम करती है, विटामिन सी, विटामिन ई, ये काम करती है आपके बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन को बढ़ाने में. ग्लूटाथियोन डायरेक्टली लेना अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ही कम है. अगर आपने पूरी गोली ली है उसमें सिर्फ 5% 10% एब्जॉर्ब हुआ तो वो वेस्ट ऑफ मनी है. सो इसीलिए हम ग्लूटाथियोन खाने को नहीं बोलेंगे. ओमेगा 3 खाना चाहिए, क्वांटिटी का कोई टेंशन नहीं है. आप एक कैप्सूल ओमेगा 3 में तीन चार चीजें होती है, एक तो ईपीए होता है, एक होता है डीएचए, ये मेन काम करते हैं ओमेगा 3 के, जो मेन आपको चाहिए. एक होता है ALA जो होता है शॉर्ट फॉर्म से बता रहा हूं, तो ALA उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है बिकॉज ALA नीड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू EPA एंड DHA जिसका कन्वर्सन रेट बहुत कम है, मतलब 5-10% ही वो कन्वर्ट होगा. तो इसलिए ऐसी चीजें खाइए जिसमें EPA और DHA ज्यादा हो. फिश ऑयल्स में होता है लेकिन ALA भरा हुआ नहीं होता. उसके लिए अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो मेगा 3 या ऐसा कोई सप्लीमेंट लो जिसमें सिर्फ EPA और DHA हो. दैट विल गिव यू मच मोर बेनिफिट ऑफ योर मनी. ठीक है, ये हुई बात ओमेगा 3 की. और